नमस्कार प्यारे साथियों, तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप अंकुश सर की क्लास लैपटॉप में किस प्रकार से देख सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको सिंपल से सबसे पहले एक बार आपको अंकुश सर का यूट्यूब चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पे आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको राइट साइड में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप यहां पे एक बार क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट का लिंक यहां पे मिल गया। अब यहां से आपको बार बार यूट्यूब चैनल पे नहीं आना पड़े, इसके लिए आपको इस वेबसाइट को स्क्रीन पे शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद मोर टूल्स का ऑप्शन आता है। मोर टूल्स के ऑप्शन आने के बाद आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्रिएट शॉर्टकट, यहां पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये वेबसाइट है आपका डेस्कटॉप पे चला जाएगा। जैसे हमने देख के क्रिएट जैसे ही करेंगे तो वेबसाइट जो भी है वो आपका डेस्कटॉप पे चला जाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं डेस्कटॉप पे आया या नहीं, देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहीं से खोल देते हैं। अब आपको YouTube चैनल पे जाने का कोई मतलब नहीं है। अब जब भी आप क्लास देखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके क्लास देख पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ का आगे का प्रोसेस है कि अगर आप मोबाइल में साइन अप कर लिए हैं और अपना आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तब तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप नहीं बना रखे हैं अब और अभी आप नए हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको, यानी साइन अप का मतलब नया आईडी आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फुल नेम, यूजर, उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर एक स्टेट, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको डालना होगा, और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करते ही आपका एक आईडी बन जाएगा। उसके बाद अब लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन अगर आईडी बनने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल लीजिए और यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल लीजिए। अब उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बन जाएगा। देखिए हम लॉगिन पे क्लिक किए और लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लॉगिन कर लिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही अपडेट पासवर्ड कर देंगे तो आपका पासवर्ड भी सेव हो जाएगा, जैसे हमने अभी अपडेट किया था पासवर्ड भी सेव। और अब यहाँ से आपको क्या कैसे क्लास देखेंगे ये प्रोसेस जानिए। तो आपको देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या दिख रहा है। होम दिख रहा है, कोर्सेज दिख रहा है, फ्री कोर्सेज दिख रहा है, टेस्ट सीरीज दिख रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर दिख रहा है, करंट अफेयर्स, बुक, ब्लॉग, परचेज सेटिंग और लॉग आउट। तो यहाँ से आप सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ से लॉग आउट लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे आईडी में खरीदे हुए हैं तो यहाँ से लॉग आउट करने के बाद फिर से यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। एक हो गया क्लियर। उसके बाद आप कोर्सेज में यहाँ पे आना होगा। कोर्सेज में जितने भी सारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज होंगे वो वेबसाइट या लैपटॉप से में भी दिखेगा, और आप जो भी परचेज करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बैच परचेज करने के बाद आपको बैच परचेज में दिखेगा, या जो भी आप परचेज किए हुए हैं बैच आपको परचेज में दिखेगा। फ्री कोर्सेज में कुछ अगर फ्री रहेगा तो फ्री दिखेगा, और परचेज में जितने भी बैच आपका परचेज रहेगा तो आपको परचेज में दिखेगा। चलिए हम कोई भी वीडियो चला कर दिखा देते हैं। जैसे आपको नंबर सिस्टम कोई भी एक बैच का वीडियो चलाकर दिखा देते हैं। चलिए हम एडवांस मैथ बैच ओपन करते हैं। जैसे हमने बैच ओपन किया। अब यहाँ ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे पहला में लिखा हुआ है कंटेंट, फिर लाइव, फिर अपकमिंग। तो यहाँ पे आपको सिंपल से ध्यान रखना होगा जिस वक्त बैच, जैसे इस बैच का टाइमिंग है
आपको सुबह 8 बजे, तो 8 बजे टाइमिंग है, तो 8 बजे सबसे पहले शेड्यूल लगता है। शेड्यूल में आपको अपकमिंग में दिखेगा, जब तक यहाँ से लाइव नहीं होगा, जब तक आपको जो भी अगला क्लास रहेगा वो अपकमिंग में दिखेगा। जैसे ही यहाँ से लाइव कर दिया जाएगा, आपका वो जो कोर्सेज रहेगा वो लाइव में आ जाएगा। आपको लाइव में आने के बाद यहाँ से आप उस कोर्स पे वाच, जैसे मोबाइल से देखते हैं उसी तरह से यहाँ से वाच करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जब क्लासेज लाइव ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपका कंटेंट में आ जाएंगे। कंटेंट में आने के बाद आपको 1-2 घंटा के बाद ही यहाँ पे प्रोसेसिंग वीडियो होने के बाद ही आएगा। उसके बाद आप लाइव क्लास में जाकर क्लास के देख सकते हैं, और नोट्स पीडीएफ में आप जो भी क्लास का पीडीएफ रहता है, बुक पीडीएफ, आप यहाँ से बुक पीडीएफ वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन, लॉगरिथम, त्रिकोणमिति, यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्लास दिखाते हैं लाइव क्लास में जाके। लाइव क्लास में जाने के बाद आप एडवांस में जाएंगे, उसके बाद देखिए क्लास, कोई भी क्लास यहाँ से जैसे वाच कर सकते हैं। आप यहाँ से क्वालिटी अपने अनुसार, जिस प्रकार से आपका नेट हो उसी प्रकार से आप वाच करें। अगर आपका नेट थोड़ा कम हो तो आप मतलब यहाँ से 240 में देख सकते हैं, जैसे हम कोई भी क्वालिटी में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस वीडियो को प्ले कर दिया, प्ले करने के बाद आप देख पा रहे होंगे एक क्लास चलने लगा। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्लास चल रहा है। लैपटॉप में आप आसानी से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे क्लास चलने लगा, यहाँ से आप स्पीड अप स्पीड डाउन कर सकते हैं। जैसे आप 4x 2x 4x 2x, या फिर जिस अनुसार से, या स्लो, जिस तरह से भी करके, फिर वॉल्यूम साउंड वगैरह सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार। बाकी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।